पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल, ये कहाँ पे है, ये है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, और दिस इज द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू ए। इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू थ्री टाइम्स एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज टू ए बाई थ्री। ओके, तो ये जब x इक्वल्स टू ए बाई थ्री पे था, ठीक है, तो इसका कुछ भी वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी को हम लोग बढ़ा करके तीन टाइम्स वेलोसिटी कर दिए, ठीक है। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज एन ए बाई थ्री द वैल्यू ऑफ एन एस, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, एम्पलीट्यूड मतलब कि एक्सट्रीम पोजिशन पे इसका है ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, इसको हम लोग ई बोल देते हैं। यहां पे इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ इंटू के, क्योंकि टू ए बाई थ्री है तो इसीलिए टू ए बाई थ्री होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू फोर बाय नाइन, जिसको हम लोग 4 बाय 9 इंटू ई बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंस टोटल एनर्जी विल बी सेम, ठीक है, एट बोथ द प्लेसेस, तो देयरफॉर यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो यहां पे एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो होता है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल है ई, तो ई माइनस 4 बाय 9 ई विच इज 5 बाय 9 ई, ठीक है। तो अब जो है ये 5 बाय 9 ई जो था ना, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसको हम लोगों ने थ्री टाइम्स कर दिया, सो काइनेटिक एनर्जी न्यू हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू थ्री वी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू है ना हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि 5 बाय 9 ई के बराबर था, तो 9 इंटू 5 बाय 9 ई, तो 5 ई हो गया, 5 ई क्या हो गया, अब यहां पे जो है ना काइनेटिक एनर्जी हो गया है 5 ई, और यहां पे ऑलरेडी स्प्रिंग एनर्जी था कितना 4 बाय 9 ई, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी न्यू ऑफ द सिस्टम नया है ना 4 बाय 9 ई प्लस 5 ई विच इज इक्वल टू 49 बाय 9 इंटू ई। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू है ना न्यू एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब एनर्जी बढ़ गया है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, सो हाफ इंटू के इंटू न्यू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 49 बाय 9 इंटू ई, और ई हमारा क्या था, हाफ के स्क्वायर था, तो हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के इज गॉन, सो देयरफॉर वी हैव एम्पलीट्यूड न्यू एम्पलीट्यूड एज 7 बाय 3 इंटू 0.5। ऑरिजिनल एम्पलीट्यूड, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एन इज 7।